हमारा ख्याल रखे। हाँ तोरा एगो झुनझुंडा लेके बजा जा भाई। तो उसने प्लान बनाया सर कि खाने में नींद की दवा दे देते हैं और गणासी से सबको काट देंगे। बहुत जघन्य अपराध उस सब के मामले में नहीं माफ करने वाला। अब महिला को आज तक फांसी नहीं लगाए भारत में, काहे के लिए इस चीज को रखा गया? एगो शुभारंभ किया जा सकते जो एकदम तगड़ा राजदूत होता है, बहुत पढ़ा लिखा, उस सबको पाकिस्तान में, चाइना में, ब्रिटेन में और अमेरिका में, ये चार जगह भेजा जाता है बहुत हाईली पढ़े लिखे लोगों को। पाकिस्तान में वैसे को भेजा जाता है जो बहुत तेज तर्रार है, समझदार है, क्योंकि वहाँ वो सब जानवरों का जगह है। वहाँ पर एगो कह रहा है कि पाकिस्तान के एगो मंत्री को देख रहे थे, कह रहे थे मौत से हमें कोई डर नहीं लगता, तो सुसाइड कर लो। कह रहा है कि मौत तो हम लोग के लिए खुशी की बात है, तो मर जाओ। नहीं समझे? अगर हम कहें कि हमको रसगुल्ला खाना बहुत पसंद है, तो भाई खा लो। बैल कहीं का कहां था तुम कोरोना में जब तुमको मौत पसंद था? तो सब दूध को मास्क लगा के घूम रहा था, कहता है सब मौत पसंद हमको ना, मतलब दोगला टाइप का बात, बहुत गुस्सा लगता है। अभी एक महिला थी ना शबनम, जिसे फांसी की क्या सुना दी गई, सजा सुना गई, फांसी लगा कि नहीं अभी उसको, अभी अटका के रखा गया, उसको बात तो आगे समझेंगे। शबनम नाम की महिला थी, वो एमए पास थी, ग्रेजुएशन, पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन भी थी, ओकरा एगो नौवीं फेल लड़का से फंस गई। हाँ ये लड़की सबको जो तारीफ किया ओकरे से फंस जाती है सब, उस सबके पास दूरदर्शिता नहीं होता है, जो देव तारीफ उस सबको, सबसे पहले लड़की से पूछे तुम्हारा कैसा लड़का है, वो भाड़ में जो सोचा तोरा क्वालिफिकेशन, हमारा ख्याल रखे, हाँ तोरा एगो झुनझुंडा लेके बजा जा भाई, हमारा ख्याल रखे यार। फंस गई ओकरा से, अजब बात है, इसमें ख्याल क्या रखना है जी, 18 साल से ऊपर लड़का हो गया, अपने पैर पे खड़ा हो गया, हमारा ख्याल ना रखते हो, ले तोरा के झुलवा खरीद देते हैं। अजब होती है सब। तो सातवीं फेल था, कोनो काम धाम था नहीं, एकरा खूब अच्छा से वैल्यू दे, हाँ 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 मच्छर काट लिया, मच्छर काटा, हाँ मच्छर का इमरजेंसी, जहाज बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ, मच्छर काट दे, छोड़ो ना कोई बात नहीं छोड़ दे, सबको पता नहीं कौन दिमाग की होती है। अच्छा एक चीज देखना, जितना जितना दिखने में सुंदर लड़की रहती है सुनो, वो औरों बकलोल से फंस जाती है। देखो बकलेलवा कितना खुश है सब, पीछे वाला पूरा बकलेलवा खुश है सब, अरे सच्ची क्या बात बता दी है। उस सबको थोड़ा भी दिमाग नहीं होता है। अब देखो भाई, कोई भी चीज को अगर आप सुंदर बनाइएगा तो टाइम लग जाता है। अब हम सब लोग को शरीर की पूरी संरचना निर्माण करने में भगवान के पास कुल 9 महीने ही समय होते हैं शरीर बनने में हम लोग के लिए। अब जिसको सुंदर बनाता है भगवान, मान के चलिए जिस महिला को खूब सुंदर बनाएगा, टाइम लगेगा तो कुछ ना कुछ छूटेगा, दिमाग छूट जाता है। इसलिए अक्सर आप देखेंगे ना, जितना सुंदर रहेगी उनको बुद्धि कम रह, उल्टा सीधा से फंस जाएगी, एकदम अजब टाइप का रहेगा, देखता एक फसल अजब लड़का से फंसेगी, एक और हरा रंग का बाल रंग लेगा, एक और भूरा रंग का। अब तुम लोग जाओगे पढ़ लिख के खूब अच्छा से एकदम बढ़िया से एकदम वेल फॉर्मल फॉर्मल पहन के, एकदम पैंट शर्ट फॉर्मल एकदम ठीक, या पुरान जमाना का आदमी है, अरे तो जो तेरे तू वे लेके जो मुर्गा ऐसा बाल रंग ले। तो शबनम को ना फंस गई सातवीं फेल से, आ उस ससुरी बैल थी, ओकरा पता नहीं था, उसने प्लान बनाया कि बाप तो हमारा ब्याह करने नहीं देगा, क्योंकि एक तो पीजी की हुई है, उस सातवीं फेल है। तो उसने प्लान बनाया सिर्फ कि खाने में नींद की दवा दे देते हैं और गणासी से सबको काट देंगे। नींद में खाने में उन लोग को नींद की दवा दी और गणासी से काट दी सब लोग को। 7 आदमी को मारी थी ना, एगो 3 साल का कि 2 साल का बच्चा था ओकरो मार दी वहां पे, समझ में आ गया? अभी यह नहीं हुआ था, जब सजा हुआ तब पता चला प्रेग्नेंट है, अभी उसका बच्चा भी है छोटा सा बेचारा। उसकी क्या गलती है इसमें? जो छोटा बच्चा है उसकी तो कोई अपराध नहीं, लेकिन उससे क्या हुआ, उसका बाप जब जिएगा लोग तो उसको लोग जीने देगा समाज में, सब नहीं होता। लड़की जब लड़का सब ईज, लड़का लड़की दोनों के लिए बहुत खराब एज है ये, इसमें ना लोग बहुत
एक से एक लड़का रहेगा, वो कहेगा कि लड़कवा पगलाएगा तो उससे अच्छी लड़की हो ही नहीं सकती है, लड़कियां पगलाएगी उससे अच्छा लड़का हो ही नहीं सकता। कहेगा कहते जानता है रे तुम लोग, ओकरा माथा पे लिखल था कि अच्छा है कि खराब। आप जब उसको जानने लगे धीरे से बात विचार विचारधाराएं एक दूसरे की समझे तब ना समझ में, सब एक से एक अच्छा रहता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन ना जो तो शबनम को अगर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, सजा सुना, तुमको क्या हो गया जी, चल जाएगी कि नहीं, उलट मच जाए उस सीढ़िया पे। चलो तुम लोग बीच में लड़की के मैटर पे नहीं बोला कर पाओ, पीट पाट देंगे ये सब लड़की सब, तबीयत सही नहीं रहता चल जाती है बिना बताइए, उलट जाती है इसमें। हमको डर लगता है पांच तल्ला पे क्लास है, लड़की सब को लिए उधर रेलिंग पे देखिएगा जाली मरवाए हैं, देखे हैं, लड़का सब के लिए कोई दिक्कतें नहीं है, वहां रेलिंग पे जाली मरवाए इधर थोड़ा सा जगह था, कोनो को बेहोश हो गया इसे वहीं में गिर जाएगी नहीं जलिए में गिर जाएगी, अब पांच तल्ला पे से गिरेगी नीचे एकदम आमलेट बन जाएंगे। क्षमा करेगी तो क्या हो जाएगा, पूरी तरह से माफ। राष्ट्रपति जब क्षमा कर देते हैं तो क्या हो जाता है, सजा पूर्णतः माफ, चाहे कोई भी अपराध किए रहे कितनी भी बड़ा अपराध किए कहे। लव इज ब्लाइंड तो बैल कहीं क्या, देखो बहू साइंस के हिसाब से देर इज नो लव, साइंस कहता है सुनो ध्यान से, ये एक फिजिकल अट्रैक्शन होता है, लव उस छुपाने के लिए नाम है वो। अब किसी को कैसे कहिएगा, किसी महिला को आप कह सकते हैं हमको तुम्हें से शारीरिक अट्रैक्शन हो रहा है, नहीं, उसको छुपाने के लिए अच्छा है लव है ये सब नहीं। साइंस के हिसाब से ओनली और ओनली क्या है, फिजिकल। बेहोश हो गई तो शबनम का माफ करने जाएगा, बहुत जघन्य अपराध उस सब के मामले में नहीं माफ करने वाला। अब महिला को आज तक फांसी नहीं लगाए भारत में, काहे के लिए इस चीज को रखा गया, एक शुभारंभ किया जाए, ऐसा थोड़ी होता है कि महिला क्राइम नहीं करती है, शुभारंभ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप महिला लोग बताइए होना चाहिए कि नहीं। एकदम सच में वो बहुत खराब अपराध किया, हमारा बस चलता तो उसको हम टांग के छोड़ देते, ओकरे पे कंकाल बनती, सौ ओढ़ के खत्म होती फांसी पे, सात सात आदमी को अपने भाई चाचा भाई सबको मार डाली, छोटे छोटे बच्चों को।